Hi guys, welcome back to Edit channel. My name is Isha and I am Sana and we are the Dumb Dwarfs. So guys, aaj hum react karne wale hain ek Coke Studio ke new and super duper new song pe. Yes guys, jiska title hone wala hai the most awaited film milenge by Faisal Kapadia and exactly. Young Stunners. Yes, so guys, as you guys know, हमने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, हमें ऑलरेडी एक्सक्लूसिव इवेंट पे इनवाइट करा गया था जिसपे हमने ऑलरेडी गाना गाइस पहले सुन लिया था. वी वॉच द वीडियो एंड वी वर सो मेस्मराइज्ड बाय इट. एग्जैक्टली, बट देन हमने तब ढंग से देखा बिकॉज़ वी वांटेड टू वॉच प्रॉपर्ली एंड देन रिएक्ट ऑन इट. हाँ एग्जैक्टली, बट गाइज हमने जो चीज वहाँ पे नोटिस करी वो हम आपको लास्ट में बताएंगे रिएक्शन में. क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम भी बता देंगे तो फिर रिएक्शन देखने का वो नहीं होगा. एग्जैक्टली गाइस, एंड आल्सो फैसल कपाड़िया जी हैं जो इनका हमने एक्चुअली इंटरव्यू भी सुना एंड ही लुक्स सो यंग, बट आई डिडंट नो कि वो उतने यंग नहीं है. एग्जैक्टली है ना ऐसा भाई, और मतलब उनका जिस तरह से वो बात करते हैं इंटरव्यू में, उनका तरीका, और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो हाँ, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो खेले हुए मंझे हुए खिलाड़ी जिन्हें कहते हैं ना. Exactly. वो थे बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनली, और जिस तरह से उनका तरीका था वो बहुत अच्छा लग रहा था. ऐसा लग रहा था इंडस्ट्री में काफी सालों से हैं वो. सो गाइज अभी देखते हैं सॉन्ग फटाफट, वंस अगेन वेरी एक्साइटेड टू रिएक्ट. हाँ, और गाइज यंग स्टनर्स ने बहुत कमाल करा है, आप लोग देखो हमारे साथ रिएक्शन, हमें पता है ऑलरेडी. ठीक है गाइज, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गो. कुक स्टूडियो सीजन 14. दिल के किसी कोने में ही याद तेरी मैंने छुपा रखी है, भूला नहीं तू भी मुझे बात यूं ही मैंने बना रखी है. सुपर बना रखी है. समाया थे दिल में वो ऐसे अनजाने, तो मिलते फिर कैसे तुम. बारिश में भीगे हम बहते समंदर किनारे जो रहते, उम्मीदें लगा के वो बैठे जो अपनों के गम वो भी सहते. ये दुनिया तो चाहती के बहके, ये बाग सी खुशबू से महके. मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल. आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल. तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर. नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की. जाने वाले चले जाते हैं, किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती. छाओं में धूप की तरह, जिस्म में रूह की तरह, गुजरे दिमाग से यार तेरी लगातार लहू की तरह. अब खाए जाए ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह. तेरे बिना नहीं घर भी घर, अकेले महसूस ये किया. तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला. खिजा भी आई पर वक्त, और दिल का बाग भी रहा ना हरा. तेरा ही एतबार, बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना. तू मुझ में देखे इंसान, बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला. तू है मैं हूँ और गहरी खामोशी, हम दोनों ही नहीं सुनते जो कुछ भी ये कहती होगी. गली है दिल की तंग, अब तेरा उसमें आना ना हो. दिल के मोहल्ले में अब तेरे मेरा जाना ना हो. तू है मैं हूँ और सिर्फ फासले हैं, राबते मुनकता और मुंतजर हम आपके हैं. राजी नहीं राजदार भी क्या मांगते हम, खामियों पे पर्दे लोग कम ही यहाँ डालते हैं. हम सिरहाने रख के ख्वाब रातें जागते हैं, हम तुम्हें तुमसे बहुत बेहतर जानते हैं. सरगोशी में लूं नाम तेरा, तेरे लिए मैंने हयार रखी है. मेरे लिए मैंने सजा
पे लिख चुके हैं फलसफे इतनी दिल लगी कि खुद कोई ना पढ़ सके बेकदर तो दर बदर यूं बेखबर ही चल पड़े यादें खींचती हैं आगे ही ना बढ़ सके सादगी बन चुकी है बाजी मुंतजर खड़े उसी मकाम पे आज भी आज फिर तू आई नहीं आज फिर तू शायरी आज फिर तू एक गुमान याद तेरी खाएगी वो थी मेरी रजा अब दुआ बन गई ऐ मेरे खुदा क्या सजा बढ़ गई मैं जागू सारी रात वो सुबह बन गई गरज के बरसते अब ये बादल नहीं तू मेरे हर दर्द की दवा मैं धूप में खड़ा महसूस कर जरा मौसम बदलते हुए देखे हैं लोग है बदलते रूप की तरह शामिल अब तेरे दीवानों में मिलेंगे ख्वाबों में रहते ख्यालों में उलझे सवालों में क्या तू पहचानोगे या फिर मेहमानों से कैसे भरोसा करे अब इंसानों पे तू ही ख्वाब तू ही मेरी ख्वाहिश तू ही एहसास मैं बयाबान तू बारिश मिलेंगे फिर कभी उम्मीद भी तू आस भी खुली किताब करते जख्मों की नुमाइश कहानी कहाँ ये पार्ट सबसे ज्यादा बेस्ट खत्म होती है सही पूरी नहीं हर कसम होती है फिर उर्दू रैपिंग जो उर्दू वर्ड्स होते हैं ना वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि रैपिंग ना ब्यूटीफुल लगती है सुनने में एग्जैक्टली और गाइज जैसे सना ने बोला कि मतलब बहुत अच्छा था एंड ये लास्ट था बट कोक स्टूडियो ने हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो बियॉन्ड ले गए उसके भी आगे ले गए बट गाइज एक बड़ा इन्होंने जब हम इंटरव्यू देख रहे थे तो उनसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एक जनरेशन एक बहुत पुरानी है फैजल जो कपाड़ियाँ उनके और एक जो यंगस्टर्स है वो आज की जनरेशन जब दोनों ने मिक्स हुआ जो उसका वो फ्यूजन बना है बहुत तगड़ा मास्टरपीस हो गया एग्जैक्टली समथिंग की जो पुराने लोग हैं थोड़े वो भी सुन सकते हैं और जो यूथ है वो भी सुन सकते हैं सबके टेस्ट को मिला के दिस हैज बीन क्रिएटेड हां बहुत सही अबाउट द सॉन्ग मतलब द सिनेमेटोग्राफी एंड एवरीथिंग मतलब वो चल रहा है यू नो पूरा फिर एकदम से वो आ रहे फिर एकदम से तलहन जमा गए फिर एकदम से बैक टू हिम तो बहुत लाइक यू नो यार जो इनके वो है प्रोड्यूसर बाकी वो भी थे उनका भी हमने इंटरव्यू सुना था उनकी लाइंस यार क्या माशाल्लाह उन्होंने एक एक वर्डिंग्स वो लिखी जो मेरी फेवरेट लाइन आई थी हमसे ज्यादा भी तुमसे ज्यादा भी हम खुद को जानते हैं मतलब एक ऐसी लाइन आई थी तो भाई वो बहुत ही सेक्सी उन्होंने लाइन लिखी बहुत अच्छी लगी बहुत ब्यूटीफुल यार मतलब दिस वाज Beyond our expectations. Exactly, हाँ और एक चीज़ और जब हम कल इंटरव्यू देख रहे थे ना तो मतलब बहुत सारे लोगों ने उनकी मतलब जो इंटरव्यू में मेन जो हेड लोग थे वहाँ पर वो जो एंकर थे वो उनसे पूछ रहे थे कि एक्चुअली जब आप कोक स्टूडियो मतलब इतना डिफरेंट लेके आया है इस साल बिल्कुल डिफरेंट क्योंकि बिल्कुल नीचे से आर्टिस्ट उठा के वो ला रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कवर करने का तो वो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे को एक क्लास में बोला था क्योंकि ये खत्म हो रहा है हमारा कोक स्टूडियो एंड वी विल मिस इट अगले सीजन का इंतजार रहेगा बड़ा सैडनेस हो रही कि दिस वाज द लास्ट सॉन्ग और अब ये सीजन आएगा सीजन 15 उसमें पता नहीं क्या इस्तेमाल होगा बट यार ये तो बहुत सही था भाई हैट्स डाउन हैट्स ऑफ टू देम बिकॉज़ इट वाज अमेजिंग द सीजन वाज अमेजिंग सही में बहुत डिफरेंट था हां उन्होंने पूरा लाइक अपना एक्सप्लेन करा कि हाउ ही डिड एवरीथिंग उन्होंने सब कुछ कैसे मैनेज करा है एग्जैक्टली तो यार ही इज सच अ ग्रेट मैन और उन्होंने जो ये करा है ना सब चीज को पॉसिबल भाई हां आई गेस आभारी हैं आपके सही में उनके अलावा कोई कर नहीं सकता और हमें पता चला पसूरी
उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड आई गेस कुछ वो स्पॉटिफाई के अंडर टॉप 10 या टॉप 5 में के अंडर आ चुका है, और पसूरी इतना ज्यादा लिटरली फेमस हो रहा है, पूरे सीजन का सबसे बेस्ट पसूरी रहा है। हाँ, मतलब जितना लिसनर्स के व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा लिसेंड सॉन्ग है पसूरी। पसूरी इज अमेजिंग यार, पसूरी इज अनदर लेवल, सही में बहुत सही है। तो गाइज आप बताओ आपको सबसे अच्छा सॉन्ग कौन सा लगा सीजन 14 का, कमेंट्स में। यस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय।